लेट द वॉटर सेटल डाउन, आपको सेटल डाउन होने देना है, कोई मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो, आपको डिस्टर्ब नहीं करना है उसे. नाउ पुट सम पीसेज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट अदर केमिकल है, आपको उससे पीस लेना है इन वॉटर वेरी जेंटली और आपको बहुत धीरे से डालना है. सो दैट देर इज नो और वेरी लेस मूवमेंट इन वॉटर, जिसे डालने की वजह से कोई मूवमेंट ना हो सके. द वॉटर एट द बॉटम सेंटर विल टर्न पर्पल ड्यू टू पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर छोड़ता है अपना. तो हम देखेंगे कि जब हम उसको ठंडे पानी में डालते हैं तो इतना पर्पल कलर नहीं छोड़ता है, जहां आप उसको डालेंगे बस उसके आसपास के एरिया में वो कलर लेगा वॉटर. लेकिन जब हम उसे हीट कर देंगे या नीचे से उसे गर्म करेंगे तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो पूरे पानी में घुल जाएगा, पूरा पानी ही कलरफुल हो जाएगा. तो ऐसा क्यों होता है कि जो हीट है वो ट्रांसफर होती है, जैसे जैसे हीट ट्रांसफर होगी कलर भी ट्रांसफर होता है एवरी मॉलिक्यूल ऑन द वॉटर ऑफ द वॉटर. इसके बाद है हीट द वॉटर विद अ बर्नर इन द प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स और टीचर, ये आपको एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स और टीचर करनी है. ऑब्जर्वेशन क्या होगा, आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस दैट पर्पल वॉटर एट द बॉटम स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स, जो नीचे था वो पर्पल वाटर वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा और ट्रांसफर करेगा हीट को विद द कलर. वंस इट रीचेस अबव इट अगेन स्टार्ट फॉलिंग बैक बिकॉज द वाटर दैट हैज रीच्ड अबव हैज कूल्ड डाउन एंड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज बैक टू नॉर्मल. और जो मॉलिक्यूल नॉर्मल हो जाएगा कूल डाउन हो जाएगा वो अगेन नीचे आएगा हीट लेगा और वापस ऊपर जाएगा. बट द वॉटर दैट इज नाउ एट द बॉटम हैज बिकम हॉट एंड इज मूविंग अपवर्ड्स. The potassium permanganate is added only to identify the movement of water. तो water का जो movement कैसे होता है, क्योंकि water colorless होता है, तो अगर हम normally उबालेंगे तो उसका जो temperature sorry जो movement है हम वो observe नहीं कर सकते. That's why ये color के लिए डाला गया है, जिससे हम color से easily movement को observe कर सकें. Inference क्या होगा, the water near the flame gets heated. जो heat के sorry flame के जो बिल्कुल nearest होगा molecule उसे पहले हीट मिलेगी एंड बिकम्स हॉट. हॉट वाटर बींग्स लाइटर, हॉट वाटर जो होता है वो हल्का होता है, राइजेज अप ऊपर जाता है एंड कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन, और ऊपर जो कोल्ड वाटर होता है उसको नीचे भेजता है. फिर अगर जो नीचे गया है इतने में जो ऊपर वाला सरफेस होता है वो कूल डाउन हो जाता है, फिर वो ऊपर जाता है, ऊपर वाला सरफेस अगेन नीचे जाता है. तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है, rises up and the cold water from the sides moves down to take its place, then this water gets hot and moves up. This process continues till the whole water gets heated. ये जब तक चलता रहता है जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता. And this movement of molecule due to heating sets up convection current. तो इसी को ही process of convection बोलते हैं, जिसमें heat होती है वो transfer होती है from the one molecule to the another molecule in a movement. इसके बाद यहाँ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है हीट एंड टेम्परेचर का. ट्रांसफर ऑफ हीट भी पढ़ चुके हैं हम, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. इसके बाद दो टॉपिक अदर टॉपिक्स हैं जो इसी चैप्टर में इंक्लूड किए गए हैं, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. इफ यू लिव एट ए प्लेस नियर द सी, अगर आपने आप किसी सी के किनारे गए हैं आपका वहां रहते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, have visited such a place, you might have noticed that during day the direction of flow of air is from sea to land. जो air का direction होता है दिन में वो sea to land होता है. तो आपने कभी भी टीवी में भी देखा होगा किसी मूवी में या किसी शो में जो क्या बोलते हैं फ्लो होता है वॉटर का वो sea के साथ बाहर की साइड आता है लैंड की साइड दिन में. इसके बाद The direction of flow of air changes from the land to sea. और night में ये उल्टा हो जाता है, direction of flow जो चलता है air का flow या water का flow वो चलता है land to sea. This is because during the day when sun shines, the land and sea gets heated. दोनों ही गर्म हो जाते हैं, sea भी and land भी. But the land gets heated faster. पानी जल्दी गर्म नहीं होता, रेत जल्दी गर्म हो जाती है. Then water in the sea. The air above the land becomes warmer and rises up. तो जो लैंड के ऊपर की एयर है वो जल्दी गर्म हो जाती है बजाय सी के ऊपर की एयर के. तो द एयर ओवर द लैंड बिकम्स वार्मर एंड राइजेज अप. एज अ रिजल्ट कूल एयर फ्रॉम सी ब्लोज इन टू टेक इट्स प्लेस कॉल्ड सी ब्रीज. तो इसी को हम सी ब्रीज बोलते हैं.
इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो सी की कूल एयर होती है वो अपनी जगह से हॉट एयर की तरफ जाती है और हॉट एयर नाइट में वापस आती है, उसे लैंड ब्रीज बोलते हैं। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में आपको याद रखना है, सी ब्रीज में सी टू लैंड एंड लैंड ब्रीज में लैंड टू सी। इसके बाद ड्यूरिंग द नाइट व्हेन देयर इज नो सन, जब कोई सन नहीं होता, लैंड और सी दोनों कूल हो जाते हैं, बट द लैंड गेट्स कूलर फास्टर। अब गर्म भी लैंड जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है। देन द वॉटर इन सी, सो द एयर ओवर द सी बिकम्स वार्मर। अब सी के ऊपर की एयर वार्म होगी और लैंड के ऊपर की एयर जो होगी वो कूल होगी। एंड राइजेज अप एज अ रिजल्ट कूल एयर फ्रॉम लैंड ब्लोज आउट टू टेक इट्स प्लेस। तो नाइट में क्या होता है, लैंड टू सी एज अ रिजल्ट कूल एयर फ्रॉम लैंड ब्लोज आउट टू टेक इट्स प्लेस कॉल्ड लैंड ब्रीज। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रेडिएशन। रेडिएशन वर्ड आप सभी ने सुना होगा, तो रेडिएशन क्या होता है वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। हाउ डज हीट रीच फ्रॉम द सन टू अस, सन से हमारे तक जो हीट आती है वो कैसे आती है। इट कैन नॉट बी कंडक्शन, कंडक्शन नहीं हो सकता है ये, कि ओनली वाइब्रेशन हो। एज वी आर नॉट डायरेक्टली इन टच विद द सन, इट कैन नॉट बी कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के लिए टच होना, मूवमेंट होना, क्योंकि जब तक आप किसी के कॉन्टेक्ट में नहीं होंगे तो हीट को ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो इसमें ना तो कंडक्शन है ना ही कन्वेक्शन है, जो हमें सन से हीट मिलती है। एज देयर इज वैक्यूम इन स्पेस बिटवीन द सी एंड अर्थ एटमोस्फेयर, द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विच डज नॉट नीड एनी मीडियम इन बिटवीन इज कॉल्ड रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या है, एक मेथड है, तीसरा जो मेथड है उसके लिए किसी भी कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं होती है हीट ट्रांसफर के लिए। तो ये हीट ट्रांसफर का ही मेथड है रेडिएशन, जिसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रांसफर के लिए। एंड इट इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, तीनों मेथड में सबसे फास्टेस्ट मेथड है रेडिएशन। द हीट वी रिसीव फ्रॉम सन इज ट्रांसफर टू अस बाय रेडिएशन। सम अदर ऑब्जेक्ट दैट ट्रांसफर हीट बाय रेडिएशन आर बॉनफायर, कैंप फायर, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर, माइक्रोवेव। ये सब हीट का ट्रांसफर करते हैं किस पर, रेडिएशन मेथड से। All hot bodies radiate heat, even our body radiate heat to the surrounding. हमारी बॉडी भी जो हीट निकालती है तो वो भी विद द हेल्प ऑफ मेथड रेडिएशन एंड रिसीव हीट फ्रॉम द सराउंडिंग बाय रेडिएशन। और जो हम हीट रिसीव करते हैं वो भी रेडिएशन से ही करते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट कॉटन एंड सिल्क क्लोथ आर प्रेफर्ड फॉर वेयरिंग इन समर्स। समर्स में हम कॉटन के क्लोथ ज्यादा प्रेफर करते हैं और वेयर एज वुलन पहनते हैं हम, क्लोथ आर प्रेफर्ड इन विंटर्स। बट इज द कलर ऑफ क्लोथ वी शुड वेयर इन डिफरेंट सीजन इम्पॉर्टेंट। क्या एक कलर का भी, ये तो कपड़े के टाइप का है कि आपको समर में कूल ऑब्जेक्ट्स पहनने चाहिए या फिर कूल जो बोलते हैं उसको वॉर्न या यार्न धागे जो होते हैं उनके कपड़े पहनने चाहिए, जैसे कॉटन होता है, और आपको गर्म जो धागे होते हैं वूल होती है वो हमें सर्दियों में पहननी चाहिए। लेकिन क्या कलर भी मायने रखता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, ये हीट का जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक उसमें। बट इज द कलर ऑफ क्लोथ वी शुड वेयर इन डिफरेंट सीजन इम्पॉर्टेंट। यस द डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड टू बी इन विंटर्स और लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड टू बी वॉर्न इन समर्स। तो आप सभी को पता है कि हम समर में ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहन सकते, क्योंकि ब्लैक कलर हीट एब्जॉर्ब करता है ना कि हीट निकालता है। तो ब्लैक कलर जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो हमारी बॉडी ब्लैक कलर के कपड़ों में समर में जितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी उतना ही ज्यादा हमारी बॉडी गर्म हो जाएगी। तो हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि लाइट कलर के कपड़े हीट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, हीट निकालते हैं, ट्रांसफर करते हैं टू द बॉडी, दैट्स व्हाई हम कूल रहते हैं। और सिमिलरली हमको विंटर्स में डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए जिससे वो हीट को एब्जॉर्ब करें और हमारी बॉडी हॉट रहे। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन थ्री मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, हमने जो भी तीनों मेथड पढ़े हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के उनकी हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल पढ़ेंगे, वो भी हम टेबल बाद में पढ़ते हैं, पहले एक एक्टिविटी है हम वो पढ़ेंगे रेडिएशन के लिए। ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ कलर इन रेडिएशन ऑफ हीट, हीट के रेडिएशन में कलर का क्या रोल है। उसके लिए प्रोसीड्यूर है टेक टू स्टील ग्लास एंड पेंट वन विद ब्लैक कलर। आपको दो सेम ग्लास लेने हैं और एक को आपको ब्लैक कलर करना है एंड अदर वन को व्हाइट कलर करना है।
फिल बोथ ऑफ देम विद टैप वाटर, नॉर्मल वाटर से आपको भरना है। कवर दीज कार्डबोर्ड लिड्स हैविंग होल इन द सेंटर, आप उसे कवर कर दीजिए लेकिन एक बीच में होल रखना है ओनली। एंड इंसर्ट थर्मोमीटर, आपको थर्मोमीटर डालना है सिर्फ उस होल में। दीज होल इन बोथ द ग्लासेस, कीप द ग्लासेस इन सनलाइट फॉर सम टाइम, और दोनों ग्लासेस को थर्मोमीटर के साथ आपको सनलाइट में रखना है। फिर उसके बाद आप थर्मोमीटर में आप उसकी रीडिंग ऑब्जर्व करेंगे कि गर्म कौन सा है। टेम्परेचर के लिए हमने पढ़ा था, टेम्परेचर मेजर करने की जो डिवाइस है दैट इज थर्मोमीटर, जिसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो थर्मोमीटर में मर्करी होता है, वो जितना ज्यादा उसका लेवल इंक्रीज होगा दैट मीन टेम्परेचर उतना ही ज्यादा है, हीट उतनी ही ज्यादा है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक ग्लास विल बी हायर। तो ब्लैक ग्लास वाला टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है देन द व्हाइट कलर। इफ यू पुट हॉट वाटर इन बोथ द ग्लासेस एंड कीप देम इन शेड, यू विल ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर ऑफ व्हाइट ग्लास फॉल्स फास्टर देन द ब्लैक ग्लास। दिस एक्टिविटी शो दैट ब्लैक और डार्क कलर ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब मोर हीट, ब्लैक हो या कोई भी डार्क कलर हो वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं एज कम्पेयर टू व्हाइट और लाइट कलर ऑब्जेक्ट। दिस इज द रीजन व्हाई डार्क क्लोथ्स आर प्रेफर्ड इन विंटर्स, इसी वजह से डार्क क्लोथ्स जो होते हैं वो हम विंटर्स में पहनते हैं, व्हाइल लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड इन समर्स, और समर में सर्दियों में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। इसके बाद रीड एंड रिकॉल जो एक टेबल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, रीड एंड रिकॉल करा देती हूँ। टेम्परेचर शो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर क्या करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस क्या है उसकी डिग्री बताता है। द थ्री स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम तीन स्केल्स पर मेजर करते हैं, सेल्सियस, फॉरेनहाइट एंड केल्विन। केल्विन क्या है, एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। सेल्सियस, फॉरेनहाइट एंड केल्विन आर कॉमनली यूज टेम्परेचर स्केल्स। थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज में लेते हैं दैट इज थर्मोमीटर। द टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज मेजर्ड यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो हमने दो थर्मोमीटर पढ़े थे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज में लेते हैं दैट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। हीटिंग एन ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ ऑल और एनी ऑफ दीज टेम्परेचर, स्टेट ऑफ मैटर, अपीयरेंस, वॉल्यूम। हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड इन विंटर एंड लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड इन समर। तो ये हम सब पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। न्यू वर्ड्स क्या है, टेम्परेचर क्या है, डिग्री है ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थर्मोमीटर क्या है, एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। कंडक्शन क्या है, मेथड इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन से जो ट्रांसफर होता है जिस मेथड में वो होता है कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या है, मेथड इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट से जो ट्रांसफर होगा दैट इज कन्वेक्शन। और मेथड इन विच द ट्रांसफर ऑफ हीट डज नॉट नीड एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की किसी भी कॉन्टेक्ट की नीड नहीं होती है दैट इज रेडिएशन। तो हम तीनों मेथड पढ़ चुके हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट। नाउ दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे यहीं से स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट के तीनों मेथड, इनके बारे में डिफरेंस। तो दो डिफरेंस तो मैं ही बता चुकी हूँ, कंडक्शन में वाइब्रेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, नो मूवमेंट, इसमें मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, नो वाइब्रेशन, और यहाँ पर ना मूवमेंट होता है ना वाइब्रेशन, कोई मीडियम या किसी कॉन्टेक्ट की नीड ही नहीं है। इसके बाद कंडक्शन जो है मेनली हम सॉलिड्स में देखते हैं, और कन्वेक्शन हम देखते हैं वो लिक्विड्स और गैसेस में मिलता है, और रेडिएशन किसी में भी हो सकता है, हमारी बॉडी में भी हम हीट रिसीव करते हैं या हीट देते हैं, गेन करते हैं या फिर लूज करते हैं, दोनों में ही विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। सन से जो हम हीट लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, एक बल्ब जल रहा है इससे हमें हीट मिल रही है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। तो इसके बारे में दो डिफरेंस तो मैं ही बता चुकी हूँ। इसके बाद जो टेबल बनाएंगे वो आपको कॉपी में नोट डाउन करनी है, टेबल भी जब मैं बनवाऊंगी। इसके बाद रीड एंड रिकॉल भी आप कॉपी में लिखेंगे और न्यू वर्ड्स, और जो चैप्टर है इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं आपने अब तक जो पढ़ा है, इम्पॉर्टेंट नोट्स जो आप बना सकते हैं मेड बाय योरसेल्फ, आपको एक कॉपी में नोट डाउन करना है। एंड नेक्स्ट वीडियो में टेबल के साथ साथ मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगी और आपको भी एक्सरसाइज करने का ट्राई करना है, आप जितना ज्यादा कर सकते हैं, और आपको कॉपी में नोट डाउन करना है।